सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरां वाली जी दा ओ सांझे दरबार की जय। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निरविघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिववाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी करोहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेच्छसाधनम् मया तवैव स्नेहेन बिम्बः स्तुतिः प्रकाश्यते। अच्च श्री दुर्गा सप्तश्लोके सप्तमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा विद्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानी नाम विजेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गेऽस्मिता हर्षभीतिमशेषयन्तः स्वस्थे स्मिता मतिमतीव शुभां दधांसि। दारिद्र्यदुःखमयहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दधित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वाददाधिके शरण्ये त्र्यम्बके तारि नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ बलिस्थानपरायणे सर्वस्याति हरे देवे नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषानपहांसितुष्टा दृष्टातुकामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाशिधानान् न विभवनराणाम् त्वामाशिधायाशयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अग्नेश्वरी। एवमेव तया कायम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शुनश्व कमलानने यस्य प्रसादभाग्येन दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सदी साधि भव प्रीता भवानी भव मोजनी आर्या दुर्गा जया जाद्या दिनताशूलधारिणी विराटधारिणी चित्ता चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा जिताजिनिः सर्वमङ्गमयी सत्या सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भावनी भव्या 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 सदागतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अवर्णानेकवर्णा च पाटलावादरावती
పట్టాంబర పరిధాన కల మంజీర రంజని అమే అవిక్రమార్దురా సుందరీ జన సుందరీ వను దుర్గా చ మాతంగే మదంగ మని పూజిత బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరి చంద్రే కౌమారి వైష్ణవీ తథా చాముండా జీవ భారాయ లక్ష్మీ సవృషాగతి విమలోత్కర్షణి జ్ఞాన క్రియా నిత్యా చ బుద్ధిత బహుళ బహుళ ప్రేమ సర్వవాహన వాహన శుంభ శుంభ హరిణి మహిషాసుర మర్దని మధు కేశవ హంద్రిజ దండ మండా వినాశని సర్వాస వినాశాజ సర్వధానవ ఘాతిని సర్వశాస్త్రమయీ సత్యా సర్వాక్షధారిణి తథా అనేక సహస్రాజ అనేకాధారిణి కుమారీ చైక కన్యా చేశారీయవదీయతే అప్రౌఢాజ ప్రౌఢాజ వృద్ధ మాతా వరప్రదా మహోదరీ ముక్తకేజీ గౌరూపా మహామరా అగ్నిజ్వాలారోద్రముఖి కాలరాతి తపస్విని నారాయణీ భద్రకాళీ విష్ణుమాయా యదాదరి శివదూతీ కరాళీ చ ఆనందా పరమేశ్వరి కాత్యాయణీ చ సావిత్రి ప్రత్యక్షా బ్రహ్మవాదిని నిత్యం దుర్గా రామశ్రాజకం నాసాధ్యం విద్యతే దేవి తుషోలోకేషు పార్వతీ నందనం సుఖం జాయామయమేవ చతుర్వర్గం తాచాంద్రే ముక్తి శాశ్వతీ కుమారీ పూజయిత్వా దేవీ సురేశ్వరీ పూజే పర్యావృత పడే రామశ్రాజకం రాజానోరాజ్యోరచనాలుమేన సింధూర కర్పూర మరుత్రేణ విలిఖ్యంగం విదినా విలిఖ్య భవేశ్వరాధార్యతే పురారిః భౌమావాచ్యాని సామగ్రే చందేషద్భిషాం గతే इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिश से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ओम अस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुश्चव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना सोक्तमातरो बीजं भृगवन्ध देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा विद्यते सप्तशरी पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्तकण्डे उवाच ॐ जर्गोऽयं मर्मं लोके सर्वरज्जागरणिनां जन्मगजराकरं धन्ये भूहि पितामहः ब्रह्म उवाच अस्त्रिकोयतमं व्यक्त सर्वभूतोपकारकं देव्यावलोकसम्पन्न्यं दर्शदुषा महामने प्रथमं शैलबुद्धिर्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणि तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्मारेति यदोदकं पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महाकालीतिराष्टमम् नवमं सिद्धिराति च नव दुर्गः भगेतिरा
सुप्तानि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निराजयमानस् शत्रुमध्ये गतारणे विश्वमे दुर्गमे चैव व्याताशरणं गतः नादेशां जायते किञ्चिदशुभङ्गणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं नहि येषु भक्त्यास्मिषाणो न तेषामित्ये वयायते ये त्वां स्मरन्ति देवेषु रक्षशेतान सञ्चयः वेदसंसादृशामुन्ना वाराहिमैशासना एन्द्रिगैसमारूढा वैष्णवीकरुणासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारीशिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महर्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विजवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नापशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खं जग्नं गदां जग्निं हरं जामुदलायुधं केतकं तोमरं चैव परशुं वाचमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामयाय च धारयन्तायुधानीतं देवानां दयिताय नमस्ते तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साय महाभयविनाशने त्रायिमां देवि सुश्रेष्ठे शक्तनामयवर्धने प्राच्या रक्षतु मामेन्द्रि अग्निरामग्निदेवता दक्षिणेऽवतु हारायिनेत्यां खड्गधारिणी पृथिचाम्बारिणी रक्ष वायव्यामिगवाहिनी उदिचाम्बातु कौमारी शनशूलधारिणी ओषं ब्रह्मादिमे रज यदस्ता वैष्णवी तथा एवं दक्षिशो रक्ष चामुण्डा च ववाहना जया मे जाग्रता पादो विजया पादो पृष्ठतः अहिता वाम भाजयतु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योदनी रक्षामूर्ति व्यवस्थिता महाराजरी ललाटे च भोरक्य यशस्वनी त्रिवेदा च भोर्मध्ये यमघण्टा जनाधिगे शङ्खणी च त्रिशोर्मध्ये शतयोर्धारवासिनी कपोलोकालिकारज्य कर्णमोरे दुशङ्गने नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोदे जन्दिका अग्रे चां मृगला जिह्वायां सरस्वती गङ्गा रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे जन्दिका घण्टिकां चित्तघण्टा च महामाया च दालुगे कामाची च मुखं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठभं च धनुधरे नीलग्रीवावहे गण्डे नरे कां नलगोभरे स्कन्द्यो गर्गनीरज्य बाहुमे वज्रधारिणे हस्त्यो दण्डनीरज्य अम्बिकाजाङ्गुरेशज नकाञ्जुलेश्वरीरज्य दक्षारज्य गणेश्वरी कणोरज्य महादेवी मनाशोकविनाशने हृदये ललिता देवी उदरेश्वरधारिणे नाभोजकामनीरज्य गुह्यं भुवेश्वरी तथा भूतनाकामिकामेणं गुरे महिषवाहिनी कट्यां भगवधीरज्य यानदेवेन्द्रवासिनी जङ्गे महाबलारज्य सर्वकामप्रदायिनी गोष्णोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे सुतेजसे पादाङ्गुलेषु शीलज्य पादारक्तलवासिनी नखाकञ्चाकराली च केशाचेवदगेशिनी रोमगोपेषु गोवेरि त्वरं भागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामाचार्यस्ति वेदां शिवारति अष्टानि कालरात्रे च वेदं च मुकुटेश्वरे पद्मावती भस्मकोशे कवये रामनिस्तदा ज्वालामुखीनज्जालां भवेद्यां सर्वसन्दिशां सूक्ष्मं ब्रह्माणि मे रज्जे छायां सत्येश्वरे तथा
अहंकार मनोबुद्धि लक्ष्य में धर्म धारिणी प्राणापानम कल्याण शोभना रूपे जगंदे शब्दे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धन विद्या च चक्रणी गोत्रविन्द्रानि मे रक्षे पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्तानां सुप्रदा रक्षे भाव्यं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता ಸ್ಥಿತ ಪರಮೇಶ್ವರಮತುಲಂ ಪ್ರಾಪ್ತತೆ ಭೂತಲೆ ಪುಮಾನ್ ನಿರ್ಭಯೋ ಜಾಯತೆ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸಂಗ್ರಾಮೇಶು ಪರಾಯಿತಃ ತೇ ಲೋಕೇ ದುಭಯ ಪೂಜ್ಯಃ ಕವಚೇನಾಪಿತಾ ಪುಮಾನ್ ಇದಂ ತೋಜೇಭ್ಯಃ ಕವಚಂ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಂ ಯಾ ಪದೇ ಪ್ರಯತೋ ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಾನ್ವಿತಃ ದೇವೀ ಕಲಾಭವೇ ತಕ್ಷ ತೇ ಲೋಕೇಶ ಪರಾಯಿತಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಮಂತಯಂತಾನಿ ಭೂತಲೆ ಭೂಚರಃ ಕೇಚರಾಚೇವಲಯಾಚವರೇಧಿಕಾಃ ಸಹಜಾ ಕುಲಗಾಮಾರಾಗಿಶಾಕನಿ ತಥಾ ಅಂತರಿಕ್ಷರಾ ಘೋರಾಗಿಣ್ಯ ಮಹಾಬಲಾ ಗ್ರಹ ಭೂತಾಕ್ಷ ಯಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವರಾಕ್ಷಸ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜೇತಾಲೇರವಾದಯ ದರ್ಶನಿ ದರ್ಶನಾಥೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನೋನಿರಾಕ್ಷೇರೇ ಜಪೇ ಸಪ್ತಷಿಂಚೂಮಂಡಲಂಧಕ್ತೇ ದೇಹಾಂತೆ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನ ಯಕ್ಷೇರಿ ದುರ್ಲಭಂ ರಾಮ್ನೋ ಪುರುಷೋ ನಿತ್ಯ ಮಹಾಮಾಯಾ ಲಭತೆ ಪರಮಂ ರೂಪಂ ಶಿವೇನಾಸಹ ಮಾನತೆ ಅಥರ್ಗಲಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಅರ್ಗಲಸ್ತೋತ್ರಮಂತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುರಿಷಿಃ ಅನುಜವ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವತಾ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಪೀಠೇ ಸಪ್ತಷದೀವಾರಂ ಗತೇನ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವಾಚ ಓಂ ಚಂಡಿ ಮಂಗಲಾಕಾರಿ ಭದ್ರಕಾಲಿ ಕಪಾಲಿನಿ ದುರ್ಗಾಶ್ವಾಧಾತಿ ಸಹ ಸದಾ ನಮಸ್ತೆ ಜಯ ತಂ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡ್ಯ ಜಯ ಭೂತಾದಿಹಾರಿಣಿ ಜಯ ಸರ್ವಕಥೆ ದೇವಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಧುಕೇಶವ ವಿದ್ಯಾದಿ ವಿದಾರ್ಥೇ ವರದೇ ನಮಃ ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶ ದೇಹಿ ದುಶಾ ಜಹಿ ವೈಶಾಚರ ನಿರ್ಣಾದಿ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸುಖದೇ ನಮಃ ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶ ದೇಹಿ ದುಶಾ ಜಹಿ ರಕ್ತಬೀಜ ವಹೇ ದೇವಿ ಚಂಡಮಂಡ ವಿನಾಶನಿ ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶ ದೇಹಿ ದುಶಾ ಜಹಿ ಶುಂಭಸ್ಯುಂಭಸ್ಯೂಮಿ ರೂಪಂ ಜಯ ಜಯಂ ಜಯ ಜಶ ಜಯ ದಿಶಾಯಿ ವಂದಿತಾಂಗಿ ಜಯ ಜಯ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ರೂಪಂ ಜಯ ಜಯಂ ಜಯ ಜಶ ಜಯ ದಿಶಾಯಿ
अचिन्तरो भजरित सर्वशत्रु विनाशने रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि नगव्या सर्वदा भक्त्या चण्डिगेचरितापहे रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि सुभद्रो भक्ति सौरन्दां चण्डिगे व्याधिनाशिनि रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि चण्डिके सुसंजेता भज्यन्ति यः भक्तिदः रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि विजयहि दुष्कामनाशं विजयहि बलवज्जगैः रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि विजयहि देवि कल्याणं विजयहि परमाशयं रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि सुरासुरशिरोरक्तनिकृष्टजनम्बिके रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि विद्यावन्दं यशस्वन्दं लक्ष्मीवन्दयनं कलं रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि प्रचण्डदैत्यधर्वग्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि चतुर्भुज चतुर्भक्त संसदे परमेश्वरी रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि कृष्णेन संसुते जयहि षट्भक्त्यासदाम्बिके रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि हिमाचल सुधानाथ संसुते परमेश्वरी रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि इन्द्राणि परिसर्वाव पूजते परमेश्वरी रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि देवि प्रचण्ड दोदण्ड दैत्यदर्प विनाशिनि रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि देवि भक्तनादावदत्तानन्दोदयम्बिके रूपं जयहि जयं जयहि जश जयहि दश जयहि अस्मी मनोरमां देहि मनोहृत्तानुसारिणी कारुणे दुर्गसंसार सागरस्य कलद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठे जातु महासत्रं पठे नरः स तु सप्तषदी संज्ञा वर्मा पह्नाति सम्पदाम् ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमध्वस्य शिवार्षेः अणोश्च वसन्तः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा विद्यतां सप्तषदी पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय दिव्यदिव्यचक्षुषे शिराप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाद्यधारिणे सर्वमेतद्विहारीयां सन्तानामुपकीटकं सोऽभिजयमवाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु जाननादीनि वस्तूनि सकलान्नपि एतेन सुभदां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति कामन्तो नौषधं तत्र नाकिञ्चिदपि विद्यते विना चाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राणि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमानाः कृत्वानि मन्त्रकामात सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रे चण्डिकायात तच्च गुप्तं चकारः समाप्तेन च पुण्यतायचाविनियन्त्रणाम् स्वाभिषेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां चतुर्दशमष्टभ्यामासमाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशापसेदते इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितां यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपते संस्तुनां सा सिद्धा सा गणः स्वपि गन्धर्वो जायते नरः
ప్రారభ్య దేవదే సౌభాగ్యారోగ్య సంపద శత్రుహాని పరో మోక్ష श्रद्धालु भक्तजन, अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। భగవతి జయ జయ హే మై చాతుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే జయ జయ
Bye.
व्याख्यान अभी अंत में कृष्ण नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्रानी आवाहनम न जानामि न जानामि सजना पूजा देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्दहीन ध्याहीनं कर्तृहीनं सुरेश्वरि यत्पूजितं मया अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति सजने यां नदीं समवापनोति नानाब्रह्मादयः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पदों में स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिंदुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगीजन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्थ मात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं।
सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। देव्या जजा तद जगदात्म शक्त्या निशेष देवगण शक्ति सुमू मूर्त्या ताम अंबिका मखल देव महर्षि पूज्या भक्त्या नदासुहेदादि शोभानी सारणा। देवगण माता से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा ही भाव हम सभी को भी अपने प्रति रखना चाहिए। संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा इन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं और महर्षि पूजनीया उन जगदम्बा को भक्तिपूर्ण नमस्कार करते हैं, वे हम लोगों का कल्याण करें। यस्या पावतु भगवान अनंतो ब्रह्मा हरचनाई भक्त बलम बलम च सा चंडिका कल जगत परिपालना नाशा चाक्षुष मतिम करोतु। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महान देव जी समर्थ नहीं है, विभक्ति चंडिका समूह जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करते। या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापाद नाम के दयाम हे सुबुद्धि श्रद्धा सदाम कुल जन बहुस्त लज्जा ताम ताम नतास्व परिपाली देवी विश्वम। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी रूप से पाप की जहाँ दृढ़ता रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य लज्जा रूप से निवास करती हैं उन आभक्ति दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। युग युग में जब भी भक्तों पर कोई आपत्ति आन पड़ी है तो उन्होंने अंत काल में इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन दे करके उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के दूर कर दिया है। इसी प्रकार आगे आने वाली विपत्ति के प्रति पूर्व सूचित करती हुई माता जी देवताओं से कह रही हैं कि वैवस्वत मनंत्र के 28वें युग में शुभ तथा निशुभ नाम के दो अन्य दैत्य होंगे। तब मैं माता जी कह रही हैं कि नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर के उन दोनों दैत्यों का वध करूंगी और फिर अत्यंत भयंकर रूप से अवतार लेकर के मैं वैप्यचित नाम वाले जो राक्षस हैं उनका वध करूंगी। उनका रक्त पीते पीते मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका के नाम से पुकारेंगे। पुनः माता जी कह रही हैं कि जब 100 वर्ष तक वर्षा रुक जाएगी, देश में अकाल पड़ जाएगा, उस समय अयोनिजा रूप से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मनुष्यों को देखूंगी। उस समय भक्तजन मेरी स्तुति करते हुए मुझे शताक्षी के नाम से पुकारेंगे। तब उस समय में उस अवतार में मैं अपने शरीर द्वारा शाखों को प्रकट करके देवताओं का भरण पोषण करूंगी। भक्तजन मेरी स्तुति करते हुए मुझे उस समय शाकुंभरी के नाम से पुकारेंगे और उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक दैत्य का वध भी करूंगी। भक्तजन मेरी स्तुति करते हुए मुझे दुर्गा देवी के नाम से पुकारेंगे। पुनः माता जी देवताओं को आश्वस्त कर रही हैं कि हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का वध करने के लिए मैं भीम रूप धारण करके अवतार लूंगी और उनका वध करूंगी। तब भक्तजन मेरी स्तुति करते हुए मुझे भीमा देवी के नाम से पुकारेंगे। पुनः माता जी कह रही हैं फिर एक अरुण नाम का दैत्य होगा जिसने तीनों लोकों में आतंक फैलाया हुआ होगा। उस समय मैं 6 पैरों वाले भ्रमरों का रूप धारण करके उसका वध करूंगी। तब भक्तजन मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी के नाम से पुकारेंगे क्योंकि उसको वरदान होगा कि न स्त्री न पुरुष से न 2 पैर वाले न 4 पैर वाले से मर सकता है। इसलिए माता जी ने 6 पैर वाले भ्रमों का रूप धारण किया और आश्वस्त किया कि इत्थम यदा यदा वाधा दान वोथा विश्वति तदा तदा वतीर्या हम कृष्या बरी संख्यम। इस प्रकार संसार में जभी जभी दानवी वाधा प्रस्तुत होगी उस समय में अवतार लेकर के जो भक्तों की रक्षा करूंगी, पापियों का संहार करूंगी। अर्थात जभी जभी भक्तों पर कोई आपत्ति आई है उसी समय माता ने प्रकट होकर के भक्तों की रक्षा की है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी सभी शक्तियों से संपन्न होकर के जब दुर्गा माता की आराधना करते हैं तो हम भक्तों को
विधि पूर्वक करनी चाहिए। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती हुई परिक्रमा करती बह रही है। इसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ध्यान करते हैं और इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार प्राकृत रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक्त प्रहलाद जी और साथ में माला जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं, ऐसा पुरानी कहानी में आया है। ओम ऐं ओम जिसका निरंतर जाप बीरबल जी महाराज किया करते थे, ऐं जो सरस्वती महाराज का वाग बीज है इसके आगे भी ओम और पीछे भी ओम लगा करके ऐं को संपूर्ण करके ओम ऐं ओम इसका जाप करने से विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के चरण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश विदेश में सिद्धिमान प्राप्त होता है और क्लीन के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रु रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्ति गण तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविते 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा तेरा वाले जीदा भोसान के दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तगण उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी भेंट में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री विजय कुमार जी से अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार मैं अम्बे तेरे चरणों में जीवन गुजार दूं तेरे चरणों में जीवन गुजार दूं मैं अम्बे तेरे चरणों में जीवन गुजार दूं सूरत पे मैं तन मन वार दूं सूरत पे मैं तन मन वार दूं हाथों को माँ भक्तों को दर्श दिखाया करो जी कभी घर में हमारे आया करो जी कभी घर में हमारे आया करो जी कभी घर में हमारे आया करो जी कभी घर में हमारे छोटी छोटी कंजकों में रूप तेरे सजते छोटी छोटी कंजकों में रूप तेरे सजते साथी तेरे मंदिरों में ढोल कहाँ से बजते कंजकों में खुशियां मनाया करो जी कभी घर में हमारे आया करो जी कभी घर में हमारे आया
करो जी कभी घर में हमारे। गोटे वाली चुनरी बड़ी प्यारी लगती, गोटे वाली चुनरी बड़ी प्यारी लगती, गली गली घर घर ज्योति तेरी जगती, सुखा 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 भोग लगाया करो जी कभी घर में हमारे, आया करो जी कभी घर में हमारे, आंखें मेरी शेरों वाली दर्शको तरसे, श्रद्धा के फूल तेरी राहों में बरसे, श्रद्धा वाले श्रद्धा वाले फूल अपनाया करो जी कभी घर में हमारे, आया करो जी कभी हमारे, आया करो जी कभी घर में हमारे। सारे जग को माँ तेरा ही सहारा है, सारे जग को माँ तेरा ही सहारा है, वो तेरे बिना मैया रानी कौन हमारा है, इस दास को चरणों से लगाया करो जी कभी घर में हमारे, आया करो जी कभी घर में हमारे, आया करो जी कभी घर में हमारे। अम्बे तेरे चरणों में जीवन गुजार दूँ, अम्बे तेरे चरणों में जीवन गुजार दूँ, भोली सी सूरत पे मैं तन मन वार दूँ, सूरत पे मैं तन मन वार दूँ, माँ भक्तों को भक्तों को भक्तों को दर्श दिखाया करो जी कभी घर में हमारे, आया करो जी कभी घर में हमारे, आया करो जी कभी घर में हमारे, आया करो जी कभी घर में हमारे, घर में हमारे माँ। जयकारा शेरों वाली जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। एक बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल। जयकारा शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। तू दाता त्रैलोकिमान, तू दाता त्रैलोकिमान, तू दाता त्रैलोकिमान, तेरा दर छोड़ के रे दर जा, तेरा दर छोड़ के रे दर जा, तेरा दर छोड़ के रे दर जा, तू दाता त्रैलोकिमान, तू दाता त्रैलोकिमान, तू दाता त्रैलोकिमान। में तुझको ब्रह्मा ध्यावे, तुझको ब्रह्मा ध्यावे, ब्रह्मा ध्यावे वेद पढ़न को, ब्रह्मा ध्यावे वेद पढ़न को, प्रथमे तुझको ब्रह्मा ध्यावे, प्रथमे तुझको ब्रह्मा ध्यावे, ब्रह्मा ध्यावे वेद पढ़न को, ब्रह्मा ध्यावे वेद पढ़न को, ब्रह्मा ध्यावे वेद पढ़न को, वेद पढ़ा तू दाता त्रैलोकिमान, तू दाता त्रैलोकिमान, तू दाता त्रैलोकिमान, तू दाता त्रैलोकिमान। द्वितीय तुझको विष्णु ध्यावे, तुझको विष्णु ध्यावे, विष्णु ध्यावे राजकरण को, विष्णु ध्यावे राजकरण को, नतुये तुझको विष्णु ध्यावे, तुझको विष्णु ध्यावे, विष्णु ध्यावे राजकरण को, विष्णु ध्यावे राजकरण को, विष्णु ध्यावे राजकरण को, मां को दीना राज करा तू दाता त्रैलोकिमान, तू दाता त्रैलोकिमान, तू दाता त्रैलोकिमान, तू दाता त्रैलोकिमान।
तुझको शंभु ध्यावे किए तुझको शंभु ध्यावे शंभु ध्यावे योग करण को शंभु ध्यावे योग करण को किए तुझको शंभु ध्यावे तुझको शंभु ध्यावे शंभु ध्यावे योग करण को शंभु ध्यावे योग करण को शंभु ध्यावे योग करण को चौथे चारे योग ध्यावे द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग चौथे चारे योग ध्यावे चारे युग ध्यावे द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग भक्ता दे भंडार भरा तू दाता त्रैलोक बिना तू दाता त्रैलोक बिना तू दाता त्रैलोक बिना तू दाता त्रैलोक बिना भजन करण को भजन करण को पंज में तुझको धनु ध्यावे पंज में तुझको धनु ध्यावे धनु ध्यावे भजन करण को धनु ध्यावे भजन करण को धनु ध्यावे भजन करण को वक दीना भजन करा दो दाता से लोग गुना तू दाता से लोग गुना तू दाता से लोग दर छोड़ तेरे दर जान छोड़ तेरे दर जान दर छोड़ तेरे दर जान दर छोड़ तेरे दर जान दाता त्रैलोक बिना तू दाता त्रैलोक बिना तू दाता त्रैलोक बिना तू दाता त्रैलोक बिना दाता त्रैलोक दाता त्रैलोक बिना दाता त्रैलोक बिना जय करा शेरां वाले दा बोल सच्चे दरबार की जय एक बहन प्रश्न कर रहे हैं श्री जयपाल जी जय करा शेरां वाले दा बोल सच्चे दरबार की जय आए हैं मैया हम द्वार तेरे तू सब दुनिया की वाली है तू सब दुनिया की वाली है आए हैं मैया हम द्वार तेरे तू सब दुनिया की वाली दुनिया की वाली है तेरे तू सब दुनिया की वाली है
सब दुनिया की वाली है। आए हैं मैया हम द्वार तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। Oh,
दरबार की जय। तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता, तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता। तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता, तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता। तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता, तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता। तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता, तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता। काम करता, तेरी शक्ति तेरी सूरज
सागर चांद चढ़ता तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता तुम्हें भूल के भी स्वीकारे हम 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 तू है माता और पुत्र तुम्हारे 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 हम तेरा नाम हो जहां वहां पाप रहता जगा जरा जरा तेरी जय जयकार करता तेरा नाम हो जहां वहां पाप रहता तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जीदा हो सच्चे दरबार एक घंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की ओ निर्मल
ਅੱਜ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਅੱਜ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਲੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿੱਦਰ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲ ਤਵਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿੱਦਰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਉਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਉਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਨ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਨ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਭਰੀ ਸਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਧਾਇਆ ਭਰੀ ਸਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਉਹ ਉਸਦਾ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਉਸਦਾ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਗ ਜਗਾਵੇ ਲੜ ਪੜਿਆ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਗ ਜਗਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਬੋਲੋ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਨਮਾਮਿ ਮਹਿਸ਼ਾ ਸੁਰ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਕੁੰਭਾ ਸੁਰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇ ਵਿਨਾਸ ਦੱਸਾ ਬ੍ਰਹਮੇਂਦ ਰੁਦ ਮੁਨਿਮੋ ਹਨਸ਼ੀਲ ਲੀਲਾ ਚੰਡੀ ਸਮਸਤ ਸੁਰਮੁ ਬਣੇ ਗੁਰੂਪਾ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਆਸ ਬਿਕਮਾਰੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਬ 2076 ਉਤਰਾਇਣ ਉੱਤਰ ਗੋਲ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਵੈਸਾਖ ਮਾਸ ਕੇ ਆਚਾਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੈ ਚੈਤ੍ਰ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ੀ ਆਤਿਓਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਦਨੁਸਾਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 2019 ਕੇ ਦਿਨ ਦੁਰਗਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਮ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਭੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਤਪੋਵਨ ਕੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਅਤਹ ਆਪ ਸਭੀ ਸੌਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਏਵਂ ਪੁਣਿਆ ਕਰਮੀ ਹੈ ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਦਿਵਯਾਂਗਨ ਮੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਏਵਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇ ਸਭੀ ਮਾਤ੍ਰ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਭੂਰੀ ਭੂਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵ ਪੁੱਤਰਵਾਨ ਭਵ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਯਸ਼ਸਵੀ ਭਵ ਪ੍ਰਗਿਆਵਾਨ ਭਵ ਭੂਰੀ ਭੂਤਿ ਕਰਨੇ ਦਾਣੇ ਕਨਿਸ਼ਠੋ ਭਵ ਤੇਜਸਵੀ ਭਵ ਬੈਰੀ ਦਰਬ ਦਲਣੇ ਵਿਆਪਾਰ ਦਖਿਓ ਭਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਭੋਰ ਭਵ ਪਾਵ ਪੂਰਨਤਾ ਸਰਵੋਪਕਾਰੀ ਭਵ ਮੰਤਰਾਰਥਾ ਸਫਲਾ ਸੰਤੂ ਪੂਰਨਾ ਸੰਤੂ ਮਨੋਰਥਾ ਸ਼ਤੂਨਾਮ ਬੁੱਧਿ ਨਾਸ਼ੋ ਅਸਤੁ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾਮ ਉਦਯਸਤਵ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਚਸ ਆਯੁਸ਼ਮਾਰੋਗ੍ਯ ਮਾਭਿਦਾ ਸ਼ੁਭਮਾਨੰ ਮਹੀਯਤੇ ਧਨੰ ਧਾਨ੍ਯੰ ਪਸ਼ੂੰ ਬਹੁਪੁੱਤ੍ರ ਲਾਭਂ ਸਤਸੰਵਤ੍ਸਰਂ ਦੀਰ੍ਘਮਾਯੁ ਅਸਤੁ ਦੀਰ੍ਘਮਾਯੁ ਆਪਕੀ ਦੀਰ੍ਘਾਯੁ ਹੋ ਆਪਕਾ ਆਰੋਗ੍ਯਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਅਬ ਧਨ ਧਨ ਸੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਿਨ ਮੰਤਰੋਂ ਕਾ ਆਪਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਆ ਵੇ ਸਭੀ ਸਫਲ ਏਵਂ ਸਾਰਥਕ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪ ਸਦੈਵ ਧਰਮਾਨ ਕੋਲ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਨਤੀ ਕੇ ਮਾਰ ਪਰ ਅਗ੍ਰਸਰ ਹੋ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਅਭੀ ਸਭੀ ਭਕਤਿਆਂ ਉੱਚ ਸਵਰ ਸੇ ਬੋਲਤੇ ਹੋਏ ਤਾਲੀ ਵਜਾਤੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਬੋਲੇਂਗੇ ਆਪਕੀ ਪੁਸਤਕਾ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਆਰਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭੀ ਬੋਲੇਗਾ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰ ਨਈਆ ਜੈ ਜਾ ਮਾਗੌਰ ਨਈਆ ਜੈ ਨਈਆ ਜੈ ਕੋ ਮਿਗ ਮਦ ਕੋ ਓ ਚਲ ਤੇ ਦੋ ਨੈਣਾ ਓ
जल से दो राम्बर राजे मैया राम्बर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला जय मंगल करे
ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈ ਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਅਬ ਛੋੜ ਕਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੇ ਮੈਂ ਅਬ ਛੋੜ ਕਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੇ ਮੈਂ ਅਬ ਤੋੜ ਕਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਫੰਦੇ ਮੈਂ ਅਬ ਤੋੜ ਕਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਫੰਦੇ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਸ਼ਰਨ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰਮ ਕਾਲੇ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰਮ ਕਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਕੋ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਕੋ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤੁਮੀ ਸੇ ਹੂੰ ਵਿਛੜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤੁਮੀ ਸੇ ਹੂੰ ਵਿਛੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਭਵਾਨੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਪਾਪ ਕਾ ਪੁੰਜ ਤੁਮ ਤੇ ਜੋ ਰਾਸੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਾ ਪੁੰਜ ਤੁਮ ਤੇ ਜੋ ਰਾਸੀ ਪਾਪੋ ਕਾ ਕਰਨੇ ਦਹਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪੋ ਕਾ ਕਰਨੇ ਦਹਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨ ਕਰਤ ਪਤਿ ਤੋਂ ਪਾਵ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨ ਕਰਤ ਪਤਿ ਤੋਂ ਪਾਵ ਮਥੂਨੇ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਮਥੂਨੇ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਚਰਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਰਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨੇ ਸਮਰਨ ਆ ਗਿਆ ਅਭੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਜਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਫਾ ਦੁਆਰ ਪਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਕਾ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਕਾ ਪੂਜਨ ਕਰੇਂਗੇ ਤਦ ਪਸ਼ਚਾਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋਗੀ ਆਰਤੀ ਅਬ ਸਭੀ ਭਕਤੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਆਏਗੀ ਸਭੀ ਭਕਤ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਰਤੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਬੋਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਤਾ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਰਤੀ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਕਸਤਾਂਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਫਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਕ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਰ ਕਲਿਆਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਵਾ ਰਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਰਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠ ਗਈ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸਭੀ ਭਕਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯਮ ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯਮ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮੰ ਸੁਖਮ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮੰ ਸੁਖਮ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਦਿਸ਼ੋ ਜਹੀ ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਦਿਸ਼ੋ ਜਹੀ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ ਸਰਵੇ ਭਦ੍ਰਾਣਿ ਪਸ਼ਯ
सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः परम पूजनीय श्री प्यारे महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्तजन बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। ब्रज में गुरु जी को वंदना, तृतीय याद करे, तृतीय स्मरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश देमा, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आठ पैर तो सट गई यो चरणा राधा देवा। खड्गम चक्र गदेषु चाप बलिगा शूलं वशुण्डिं शिरा शङ्खं वन्दते करे नयना सर्वाङ्गभूषाभिधाम्
निराशा ज्योतिमास पाद दशका सेवे महाकालिका या मस्तौ स्वपिले हरो कमलजो अन्तं मधुकेतवा अक्षाश परिशुं गणेशु कुलिशा परमं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमतिं च कर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं भाषु सुदर्शने च ददति हस्ते प्रसन्नानना देवे शैलमर्दने महिमा लक्ष्मी सरोजस्थिता घण्टा शूलहलानि शङ्खमुचले चक्रं धनुसायकं हस्तादिगर्दिङ्गणान्तविलस शीताशुतुल्यप्रभा गौरी देहसमुद्भवान्ति जगत आधारभूता महा पूर्वा मन्त्रसरस्वती मनुवज शुम्भादिदत्यादिनी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं श्रीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे यशोमङ्गलहरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं वदे हरे मुरारे मधुरे द्वारे गोविन्द गोपाल मोक्षं जयोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोस्तुते हे माय मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा पंच फुला रानी माता तेरी सदा सर्वसदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा लोंकड़ा भीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का भारतवर्ष बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय मंत्र ही नम प्रिया ही नम भक्ति नम मया देवी परिपूर्ण आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता जी। इधर इधर उधर थोड़ा इधर तक आ जाओ, इधर तक आ जाओ, आप भी उधर थोड़ा बस थोड़े से ले आप भी आ जाओ थोड़ा इधर बात ओम महादेव महादेव मस्तु रति मंगलाति सर्वांगे सामने समस्यासि श्रीलं भाव गंधद्वारां दुरादस्तां सुभुत्तां दुरिति सर्वभूतानां सहस्रि ओम ब्रह्मं कायल भूतां सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थिता नारायणी
Thank you.